खसरा रुबेला बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए खसरा रुबेला टीकाकरण अभियान के तहत स्कूलों में जाकर बच्चों को टीके लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में हमीरपुर के हिमकिरण पब्लिक स्कूल लोहारडा में स्वास्थ्य विभाग ने शिविर लगाकर खसरा रुबेला टीकाकरण अभियान के तहत टीके लगाए। इस अवसर पर स्कूल प्रिंसिपल हेमा शान रतन शान भी मौजूद रहे। स्कूल प्रिंसिपल हेमा शान ने बताया कि आज खसरा रुबेला बीमारी से बचाव के लिए स्कूल में बच्चों का टीकाकरण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी आंगनवाड़ी वर्कर स्कूल में आए हैं और बच्चों का टीकाकरण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अगर आज बच्चे सुरक्षित होंगे तो ये कल देश के विकास में अहम योगदान दे सकते हैं। गौरतलब है कि हमीरपुर जिला के 1 लाख से ज्यादा 9 माह से लेकर 15 साल तक के बच्चों को खसरा रुबेला का टीका लगाया जा रहा है, जिसके चलते अभियान चलाकर टीकाकरण किया जा रहा है। ये भारत सरकार द्वारा चलाया गया एक विशेष कार्यक्रम है जो दो बीमारियां खसरा और रुबेला नाम का जो ये टीकाकरण है, दो बीमारियों के उन्मूलन के लिए ये टीकाकरण अभियान चलाया है गवर्नमेंट ने। हम सरकार के बहुत ही आभारी हैं जो हमारे आने वाले भविष्य का छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों का के लिए इतना अच्छा इन्होंने प्रोग्राम चलाया है और आज हमारी पाठशाला में भी ये टीकाकरण अभियान चला हुआ है। इंजेक्शन लग रहे हैं और डॉक्टर्स की टीम आई है, आंगनवाड़ी वर्कर्स आए हैं और जो दूसरे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उनको इंजेक्शन लगाया जा रहा है। सर, इस तरह के अभियान होने चाहिए क्योंकि आजकल देश में जो ये जागरूकता के जो अभियान चले हुए हैं, इस प्रकार के अभियान का होना हमारे बच्चों के लिए, देश के लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमारा बच्चा, हमारा युवा, हमारा आज का भविष्य, जो आने वाला हमारा समय है, वो ठीक रहेगा तो हमारा देश प्रगति की तरफ अग्रसर होगा, हमारा राष्ट्र जो है मजबूत बनेगा।